सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम पर मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ। इस प्रेजेंट वर्शिप में हम सभी आपकी सलामती के लिए दुआ मांगेंगे। प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 34 पद संख्या 6, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो जाओ, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। लुक एट द लॉर्ड एंड बी रेडियंट। प्रभु का वचन कहता है स्त्रोत संख्या 37 पद संख्या 4, यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। इस वक्त आप जहां कहीं भी हैं, मेरे साथ एक मन एक प्राण होकर इबादत में भाग लें, वर्शिप में शरीक हो जाएं। प्रभु आपको आशीष प्रदान करें। इन गीतों भजनों के द्वारा हम मध्यस्थता करेंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करता हूं कि प्रभु आप लोगों को आशीष प्रदान करें। बैंड फॉर जीसस वर्शिप मिनिस्ट्री की ओर से आप सबके साथ मिलकर हम लोग आपकी सलामती की दुआ करते हैं। तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गा रहे हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गा रहे हो सना, राजाओं का राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। सच है प्रभु, तेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं। स्वर्गीय पिता ने तुझे वो नाम प्रदान किया जो सब नामों में सर्वश्रेष्ठ है, जो नाम सुनते ही बाइबल कहती है हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी कि ईसा ही प्रभु है। हे प्रभु यीशु, मैं अपनी आंखों को तेरी ओर उठाता हूं। क्या मुझे कहीं और से सहायता मिलेगी? नहीं प्रभु यीशु, मुझे जो सहायता मिलती है वो तुझ से मिलती है। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही प्रभु मेरी सहायता करता है। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गा रहे हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजा हो
सचा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा। हे पिता ईश्वर याद कर तूने अपने नबियों की प्रार्थना को सुना, तूने एस्तेर की प्रार्थना को सुना, उसने आग्रह के साथ प्रार्थना की और तूने उसे उत्तर दिया। दुख और कष्ट में तेरे प्रेरितों ने प्रभु यीशु तुझसे प्रार्थना की और तूने उनकी प्रार्थना को सुना। तेरे नबी एलीशा ने प्रार्थना की कि पानी ना बरसे और पानी नहीं बरसा, उसने पुनः प्रार्थना की कि पानी बरसे और पानी बरसाया। एलिया ने प्रार्थना की, उसने बाल के देवताओं को हे प्रभु यीशु तेरे सामने छित किया। तूने एलिया की प्रार्थना को सुनी, उसका चढ़ावा तूने कबूल किया। प्रभु तेरी आग उस वेदी पर उतरी और उसने उस बलि को स्वीकार किया। हम तेरे दास तुझसे निवेदन करते हैं, हे प्रभु यीशु तेरा वचन कहता है, पवित्र बाइबल हमें बताती है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 6, दरिद्र की प्रार्थना सीधे ईश्वर के कानों तक पहुंचती है, उसे शीघ्र ही न्याय मिलेगा। हे प्रभु यीशु तेरे इन बच्चों को न्याय दिला जो कष्ट में है, जो दुख में है, चिंता में है, संकट में है, परेशानी में है। हे प्रभु यीशु इनकी सहायता कर, रूह का दुगना मसा इन्हें प्रदान कर। हम गा रहे हो सना तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गा रहे हो सना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गा रहे हो सना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा। प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 50 पद संख्या 15, संकट के समय तुम मेरी दुहाई दो और मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। हे प्रभु यीशु हम तुझे पुकारते हैं, हमारी पुकार को सुन, तेरे इन बच्चों की पुकार को सुन जो लाचार हैं, रोग शैया पर हैं। हे प्रभु यीशु भयंकर बीमारियों से पीड़ित हैं, कष्ट से पीड़ित हैं, मन से उदास हैं, आत्महत्या करना चाहते हैं। हे प्रभु यीशु इन्हें आज़ाद कर बुराई की इन बातों से, इन बुरे विचारों से, शैतान की धूर्तता से इन्हें बचा के रखने की कृपा कर। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता सच है प्रभु तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गा रहे हो सना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा।
हाथ उठाकर तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो बे सदा। थैंक यू जीसस, तू है प्रभु हमारा खुदा। धन्यवाद यीशु, हम गाने हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो बे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। जी हाँ प्रभु, हम अंगीकार करते हैं तू हमारा प्रभु है, हमारा मुक्ति दाता है, हमारा चंगाई दाता है। तेरे इन बच्चों पर दया कर जो प्रातः की इस बेला में हे प्रभु यीशु इस वर्षिप में भाग लेकर तेरी आराधना करते, तेरी महिमा गाते, तेरी स्तुति कर रहे हैं। प्रभु यीशु दया कर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना स्तुति हो, महिमा जय जयकार हो प्रभु यीशु। इनके जीवन से तेरी महिमा होती जाए हे प्रभु यीशु। जितने भी लोग आज इस दुनिया से चल बसे उनकी आत्मा को शांति दे, जो निराश है उन्हें हिम्मत दे, और जो प्रभु टूटे हुए हैं उन्हें आशीष प्रदान कर। प्यारे भाई और बहनों, बाइबल हमें बताती है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 19, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभु से तुम लोग प्रार्थना करो जिससे वह तुमको सत्य के मार्ग पर ले चले। प्रभु से प्रार्थना करो जिससे कि वह तुमको सत्य के मार्ग पर ले चले। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु, आज का वचन, आज का वचन मेरे लिए है, मेरे लिए, मेरे उद्धार के लिए है, मेरे उद्धार के लिए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु, इस वचन के द्वारा, इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में, मेरे शांति आ जाए, शांति, चंगाई आ जाए, चंगाई। मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी आराधना, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 6। प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता है जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसके पास चली जा, जब तक वह निकट है तब तक उसकी दुहाई देती रहे। यूहन का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 16 में प्रभु यीशु ने कहा, तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें प्रदान करेगा। प्रभु से कहना कि प्रभु मुझे अपने जैसा बनने की कृपा दीजिए। प्रभु से कहना कि हे प्रभु मुझे अपने मनोभाव प्रदान करने की कृपा कर। प्रभु यीशु से कहना कि हे प्रभु यीशु मैं तेरे मार्ग पर, तेरी संहिता पर चलने वाला बन सकूं। प्रभु यीशु से कहना मैं आज्ञाकारी बन सकूं। प्रभु यीशु से कहना मैं पवित्र बन सकूं। प्रभु यीशु से कहना हे प्रभु यीशु मुझे प्रार्थना और उपवास करने की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कर। यीशु ने कहा कुछ समय के बाद तुम लोग मुझे देखोगे, परंतु थोड़े ही समय के बाद तुम मुझे नहीं देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन से, आपके वचन से मेरे परिवार में, मेरे परिवार में चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए, शांति आ जाए, शांति आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में विश्वास का, विश्वास का, पवित्रता का, पवित्रता का वरदान प्रदान कीजिए, वरदान प्रदान। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरा परिवार, मेरा परिवार, मेरा जीवन, मेरा जीवन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की संचालित हो जाए, संचालित हो जाए। मैं आपको अपने घर में, अपने घर आमंत्रित करता हूँ, आमंत्रित। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, जैसे आपको, जैसे आपको जकेउस ने अपने घर में, अपने घर आमंत्रित किया, आमंत्रित किया, उसके घर में, उसके घर मुक्ति आ गई, मुक्ति आ गई। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे घर में भी, मेरे घर में आप आ जाइए, आप आ जाइए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना, आपका स्वागत करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु कफरनहूम में, गलीलिया में, बेतलहम में, नाजरत में, कैसरिया फिलिपी में घूम घूम कर
गलील की झील के किनारे लोगों को वचन सुनाते थे। लोग उनका वचन सुनते और चंगे होते थे। वो जिन पर हाथ रखते थे वो चंगे होते थे। जिस जिस घर में वो जाते थे उस घर में चंगाई और मुक्ति आती थी। जिस जिस जगह पर वो बैठ जाते थे वो जगह पवित्र हो जाती थी। जितने लोग उसको सुनते और ग्रहण करते थे उनके जीवन में, प्यारे भाइयों और बहनों, आनंद ही आनंद आ जाता था। लोग उनसे कहते थे कि यदि तू चाहे तो हमें शुद्ध कर दे। आप भी प्रभु से कहना, प्रभु तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। और प्रभु ये कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम शुद्ध हो जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम पवित्र बनो, मैं चाहता हूँ तुम्हारा विश्वास दृढ़ बने। सावधान रहो, जागते रहो, क्योंकि शैतान को तुम्हें गेहूं की तरह फटकने की अनुमति मिली है, लेकिन डरना नहीं, घबराना नहीं, मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। प्रभु यीशु, हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू हमारे जीवन में रहे। तू हमारा कुफारा है, हमारा मुक्तिदाता है, चंगाई दाता है। हम अपने जीवन में तेरी महिमा करते हैं प्रभु यीशु। तूने हमें मुक्ति प्रदान की, हमें शैतान के चंगुल से बचाया। हम पर दया कर, हम पर दया कर। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए इस भजन को गाएं और प्रभु हमें आशीष और चंगाई प्रदान करें। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। अपने पैरों में तू शफा, बाहों में ले ले मुझे। अपनों पैरों में तू शफा, बाहों में ले ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे
तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। फिदिया मेरे पापों का तू, छिपने की तू ही जगह। फिदिया मेरे पापों का तू, छिपने की तू ही जगह। राहों की तू ही रोशनी, रुका जबारा मेरा। राहों की तू ही रोशनी, का जुबारा मेरा। दसकी तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में। दसकी तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। जी हाँ प्रभु, हम सबको ऐसी ताकत दीजिए, हमें रूह का मसा दीजिए, जिससे कि हम तेरी राहों पर चल सकें। तू हमारी तसल्ली है, तेरे छिदे हुए हाथ हे प्रभु यीशु आशीष देने वाले हाथ हैं। ये वो हाथ थे जिन हाथों ने अंधों को आंखें दी, हे प्रभु यीशु ये वो हाथ थे जिन्होंने भूखों को खिलाया, जिन्होंने पापियों को क्षमा दे दी। जल्लादों ने इन हाथों को क्रूस पर जड़ दिया, इनसे बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से तू शैतान के हाथों को कुचल। इन हाथों से हमें आशीष प्रदान कर, तेरे शागिर्दों को प्रभु अपनी रूह से भर दे। तू हम सब के ऊपर अपना आशीष भरा हाथ रख। जितने भी लोग इस वक्त इस आराधना में भाग लेते हैं, प्रातः की इस बेला में तेरी बंदगी कर रहे हैं, जो वचन इन्होंने सुने हैं इन वचनों के द्वारा हे प्रभु यीशु इनके जीवन में, इनके परिवार में, इनके कामकाज में शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। हे प्रभु यीशु हम उन गुनाहों के लिए तौबा करते हैं जो जाने अनजाने में हमसे हो गए हैं। हे प्रभु हमें क्षमा कर दे, हमें क्षमा कर दे, हमें क्षमा कर दे प्रभु यीशु। हम अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगते हैं, उन तमाम लोगों के लिए जो अत्याचार करते हैं हम क्षमा की याचना करते हैं, उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने जाने अनजाने में हत्याएं की, भ्रूण हत्याएं की, हे प्रभु हम प्रायश्चित करते हैं। हे प्रभु यीशु जो अविश्वास का जीवन जीते हैं, जो तेरी बातों पर विश्वास नहीं करते, जो तुझे प्यार नहीं करते, सबके लिए हम क्षमा की याचना करते हैं। हे प्रभु यीशु हमारी दुहाई तेरे पास पहुँचे, हे मेरे रक्षक हमारी पुकार को सुन और हमें उत्तर दे। इन तमाम लोगों के जीवन में तेरी शांति और बरकत सदा और हमेशा हमेशा तक बनी रहे। कुवत जलाल और महिमा तेरी है, तू सामर्थ का अधिकारी है, तू महिमा का अधिकारी है। तेरी महिमा हमारे जीवन में सदा होती रहे। हम अपने गुनाहों के लिए तौबा करते हैं, माफी मांगते हैं प्रभु, हम पर दया कर।
हे प्रभु, हे प्रभु हम पर दया करो। 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 क्रीस्त हे क्षमा करो सारे गुनाहों को। क्रीस्त हे क्षमा करो सारे गुनाहों को। हे प्रभु, हे प्रभु हम पर दया करो। हे प्रभु, हे प्रभु हम पर दया करो। हे प्रभु, हे प्रभु हम पर दया करो। हम पर दया करो, हम पर दया करो। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु मैं हृदय से उदास हूँ, मैं हृदय से उदास हूँ कि मैंने तेरी असीम भलाई और बड़ाई का अपराध किया है। और बड़ाई का अपराध मैं अपने सब पापों से वैर और घृणा करता हूँ, वैर और घृणा करता हूँ, क्योंकि तू है मेरे ईश्वर, क्योंकि तू है मेरे ईश्वर जो मेरे पूरे प्रेम के इतना योग्य है, इतना योग्य मेरे पापों से नाराज हो जाता है, नाराज हो जाता है। और मैं ये दृढ़ मन करता हूँ, और मैं ये दृढ़ मन करता हूँ तेरी पवित्र कृपा से, तेरी पवित्र कृपा से तेरा अपराध नहीं करूँगा, तेरा अपराध नहीं करूँगा, पाप की जोखिमों से, पाप की जोखिमों से दूर रहूँगा, दूर रहूँगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु मैं अपने पूर्वजों के पापों के लिए, मैं अपने पूर्वजों के पापों के लिए क्षमा याचना करता हूँ, क्षमा याचना करता। पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 15 पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है, तुम्हारा कल्याण है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु मैं स्वीकार करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ मैं कमजोर हूँ, मैं कमजोर हूँ मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की बंदगी और उसका वचन हमें चंगाई आशीष प्रदान करता है, सांत्वना देता है। इसलिए इन गीतों और भजनों के द्वारा हमारे दिल को, हमारे मन को सुकून मिलता है, हमारी आत्मा आनंदित होती है और परमेश्वर को स्तुति, आराधना और वंदना अत्यंत प्रिय है। इसलिए हम नित्य प्रतिदिन अपने इस मुख से अंगीकार करके प्रभु की स्तुति करना ना भूलें। पवित्र आत्मा हम पर अधिकार लेता है और वो हमारे हृदय से प्रार्थना करता है। इसलिए जब भी आप इबादत में खड़े होते हैं, आप गाकर, भजन गाकर उसकी महिमा करें, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। वो भला चरवाहा है, प्यारे भाइयों और बहनों, चरवाहा जो मेमना बन गया, जिसने मेरे और आपके लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। इन रहस्यों को हम नहीं समझ पाते हैं, परंतु पवित्र आत्मा जब हम पर उतरता है तो वो हमें सब बातों को समझा देता है। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हें जो संदेश दिया है मैं उस संदेश को पूरा करूंगा, मैं अपने वादों को पूरा करूंगा, मैं तुम्हें तसल्ली दूंगा, तुम्हारे घावों पर पट्टी बांधूंगा, बस तुम मुझे अपने घर में जगह दे दो। प्यारे भाइयों और बहनों, जब लोगों ने उनके पास जो कुछ था समर्पित किया, प्रभु ने उनके जीवन में कार्य किए। आज आप भी अपने परिवार को प्रभु को समर्पित कर देना, अपनी गाड़ी को समर्पित कर देना, अपनी धन संपत्ति को समर्पित कर देना,
अपने जीवन रूपी नैया को समर्पित कर देना, अपना घर प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करना। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आप लोगों को चंगाई प्रदान करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। हम तेरी आराधना करते, तेरी महिमा गाते, तेरी जय जयकार करते हैं। हे प्रभु यीशु, तूने अपने चुने हुए लोगों को पवित्र आत्मा से भर दिया, वैसे ही हमारे ऊपर भी अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रदान करने की कृपा कर। हम सभी लोगों को अभिषेक प्रदान कर, पवित्र आत्मा के मामूरी हमें प्रदान कर। हमारी आज की ये प्रार्थना तुझे पसंद आए, हमारे होठों से निकला हुआ हर एक शब्द तुझे पसंद आए, और हमारे जीवन में तेरी महिमा निरंतर होती जाए। मार्गों में आते जाते समय हमें सुरक्षा प्रदान कर। जितने लोग अपनी गाड़ियों में यात्रा कर रहे हैं, जो अपने घरों में इस वक्त इबादत कर रहे हैं, हे प्रभु इन पर दया कर, देने स्पर्श कर ले, चंगाई प्रदान कर, जिससे ये वचन को आत्मसात करें, अपने जीवन में वचन को प्रथम स्थान दें, अपने घरों में तुझे आमंत्रित करें, तेरा स्वागत करें, और तू इनके जीवन में सदा शांति बनाए रखे। हे प्रभु, जितने लोग आंसू बहाते हुए तुझसे गिड़गिड़ाते प्रार्थना करते तेरे सामने खड़े हैं, अपने पवित्र लहू से इन्हें कवर कर दे। शैतानी हमलों को दूर कर, जिससे ये अपने परिवारों में तेरी महिमा करते जाएं। हे प्रभु यीशु, तूने अर्धांग रोगी से रोगी को चंगा किया, तूने अंधे को आंखें दी, जके उसको प्रभु तूने मुक्ति प्रदान की। हे प्रभु यीशु, मां लाजरस को तूने मुर्दों में से जिलाया, पनघट पर बैठी स्त्री को तूने मन परिवर्तन का वरदान दिया। हे प्रभु, मूसा के छोटे डंडे के द्वारा तूने चिन्ह चमत्कार किए, आज इन लोगों के जीवन में भी हे प्रभु यीशु चिन्ह चमत्कार प्रकट होने दे। जितनों ने विश्वास किया है ये तेरी महिमा के दर्शन करने पाए, हम सब तेरी महिमा में जीवन बिताए। हमारी प्रार्थना सुन ले उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आ। आ।